साथियों, ये संघर्ष का दौर है और इस संघर्ष के दौर में जिस तरह हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक आवाज को बुलंद किया है, गरीब मजलूम किसानों की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम किया है, निश्चित तौर से आज हम सब लोगों को उनके साथ मजबूती से खड़ा होने की जरूरत है। मैं आपको संज्ञान दिलाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आज राहुल गांधी जी के दुश्मन मोदी जी क्यों बने हुए हैं, ये अहंकारी सरकार क्यों बनी हुई है, ये देश के जो उद्योगपति हैं क्यों बने हुए हैं। सिर्फ एक ही उनकी गलती है कि उन्होंने किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, नौजवानों की बात की। आपको याद होगा जब दिल्ली के संसद में उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल लाया था, किसके लिए लाया था? उन तमाम गरीब किसानों के लिए लाने का काम किया था, जब देश का किसान का जमीन कौड़ियों के भाव में उद्योगपति जबरन सरकार के दम पर ले रहे थे। आपको याद होना चाहिए, उस समय आदरणीय राहुल गांधी जी ने भट्टा परसौल से लेकर दिल्ली तक यात्रा करके किसानों की जमीन को, गरीब मजलूम की जमीनों की आवाज को उठाया था और संसद में एक ऐसे कानून को लाकर, भूमि अधिग्रहण बिल कानून को लाकर कि किसानों के जमीन का सर्किल रेट के 4 गुना दाम दिलाने के लिए उन्होंने उस सदन में पारित कराने का काम किया था। उस दिन से इस देश का सारा उद्योगपति भारतीय जनता पार्टी के एक उद्योगपति नेता को आगे लाकर तमाम लाखों हजारों करोड़ रुपया खर्च करके एक व्यक्ति के छवि को बिगाड़ने के लिए पूरी ताकत, अमला जमला सब कुछ झोंकने का काम किया। निश्चित तौर से आदरणीय राहुल गांधी जी ने हम जैसे गरीब परिवार के नौजवान को उठाकर विधानसभा में नेता से लेकर प्रदेश के अध्यक्ष तक बनाने का काम किया। आज गांव का गरीब का नौजवान प्रदेश का अध्यक्ष था, आज गांव के गरीब का नौजवान विधायक और सांसद और प्रभारी है। सिर्फ एक नेता का देन है, वो राहुल गांधी का देन है। हम ये कहना चाहते हैं मेरे मित्रों साथियों, आज संघर्ष की बेला है, ये ठान लो, ये विश्वास अपने मन में जगा लो, क्रांति का बिगुल बजा दो और ये तय कर लो, इनकलाब आने वाला है। जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, लेकिन राहुल जी के सम्मान में, देश के लोकतंत्र के सम्मान में चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हमारा कदम कभी पीछे नहीं हटेगा, इस विश्वास के साथ। और मैं ये कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी के लिए, जो उन्होंने आपसे अपील की है, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, जर्रा जर्रा गूंज रहा है, जर्रा जर्रा गूंज रहा है। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद अर्पित करते हुए बस एक लाइन अपनी बात कहना चाहूंगा। ओबीसी की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान, जिनके 19,000 शिक्षक भर्ती होने चाहिए, 6800 नौजवानों की नियुक्ति पत्र योगी आदित्यनाथ ने कहा देंगे चुनाव के पहले, 6800, 19,000 अभ्यर्थियों की नौकरी होनी चाहिए। और पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना, मुख्यमंत्री ने समिति का गठन करके माना, सरकार को नियुक्ति पत्र देने की बारी आई, चुनाव आ गया, वोट ले लिए, उसके बाद आप कहां के हम कहां के। 4 साल से पिछड़ा नौजवान आज धरने पर बैठा है, सदन में जब हम लोगों ने आवाज उठाई, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जब सड़कों पर बात की, मीडिया के सामने बात की, आपको वो 19,000 छात्र पिछड़ा नहीं दिखाई दे रहा है? अपमान कौन कर रहा है? अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। बनारस में सांसद है और प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में है और ओबीसी की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आज हम सब लोग इस संघर्ष के बेला में लोकतंत्र को बचाने के लिए, गांव मजदूर किसानों की आवाज को उठाने के लिए अपने महबूब नेता राहुल गांधी जी के साथ संघर्ष के लिए कौन कौन तैयार है, जरा हाथ उठाइए। क्या आप
तैयार है तो भर दो देश के सारे जेलों को और बता दो इस हुक्मरान से कि राहुल नहीं है, आदि है, आज का ये गादी है, गादी है। बहुत बहुत धन्यवाद।